इन सर्दियों में करें आंवले का उपाय और टोटका और बने करोड़पति, क्योंकि आंवले के फ्रूट सर्दियों में ही आते हैं, आंवले का फल सर्दियों में ही आता है। यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि सर्दी आपके लिए शुभ फलदायी हो और आप आंवले का ये टोटका करेंगे जो अभी अवेलेबल है, तो इतने असीम सुख की आपकी प्राप्ति होगी और आपकी ज़िंदगी में पैसों की बहार आएगी, करोड़ों रुपया क्षण भर में ही आपके पास आ जाएगा अगर आप सच्चे मन से ये काम करेंगे जो हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी के साथ में जय श्री राम दरबार अवश्य प्रेषित करना। इस तथ्य से तो आप परिचित होंगे कि आंवले का बहुत धार्मिक महत्व है। कहा गया है कि जो आंवले का एक पेड़ लगाता है वो राजसूय यज्ञ के सदृश फल प्राप्त करता है और जो पांच आंवले के वृक्ष लगाता है उसको अनेक पुण्य फलों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। आंवला नवमी तो आपको याद ही होगी। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष का पूजन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक होता है और दीर्घायु का लाभ उनको मिलता है। अक्षय नवमी के दिन जो व्यक्ति आंवला दान में देता है या आंवले का भोजन कराता है वो उसके जीवन की तमाम मुश्किलें हल हो जाती हैं सहज ही, उसकी उम्र लंबी होती है। आंवले के पेड़ का बहुत महत्व है। शुक्र की पीड़ा अगर आपको शांत करनी है तो शुक्रवार को अगर आप इलायची बहेड़े के साथ में आंवला डाल के स्नान करते हैं तो आपको अत्यंत फल शुभ मिलने लगता है और आपके ऊपर शुक्र देव की कृपा बनने लगती है। शुक्र देव की कृपा जिस पर होती है कहना नहीं चाहिए, आप अनभिज्ञ में नहीं हैं, आप जानते होंगे कि शुक्र देव की कृपा आपको समस्त सुखों का बादशाह बनाती है। तो आंवले का पेड़ तो बहुत शुभ होता ही है लेकिन एक अमृत फल के समान आंवला व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। और आंवले का सूखा पाउडर हो या सूखा फल हो अत्यंत औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है और इससे नेत्र ज्योति भी बढ़ती है, भूख भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको लगने लगती है। आंवला कॉन्स्टिपेशन को भी मिटाता है। त्रिफला का एक मात्र ये चीज़ होती है, त्रिफला में तीन चीज़ें पड़ती हैं, आंवला हरण और बहेड़ा। त्रिफला चूर्ण का आप सेवन करते हैं प्रतिदिन तो आपको कब्ज की स्थिति का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता, लेकिन इंडिविजुअल आप आंवले का सेवन भी करते हैं तो आपको कब्ज की स्थिति से नहीं निपटना पड़ता और सहज ही आपको लाभ मिल जाता है। तो संक्षेप में हमने औषधीय गुण भी आपको बता ही दिए, आइए टोटकों पर आते हैं। आंवले का छोटा सा पौधा अपने घर में लगाएं और उसके समीप आंवले का फल रखें, क्योंकि आंवले के वृक्ष में इतना छोटा होने पर आंवला आएगा नहीं, लेकिन आप आंवला उस पर रख दीजिए और आप पूजन करना चालू कर दीजिए। उसके समक्ष आप कोई भी पवित्र पौधा रख दीजिए, जैसे तुलसी माता का पौधा रख दीजिए या सफ़ेद आंकड़े का पौधा रख दीजिए। ऐसा करने मात्र से ही आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाती है और आपकी गिनती अमीरों में होने लगती है। आंवले की पूजन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, आंवले का वृक्ष भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। हमने कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ आंवले का वृक्ष उन्होंने घर में लगाया और वो IAS कलेक्टर से कम नहीं बने, उनको बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधा मिली और जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। तो छोटा ही सही, अगर आप आंवले का वृक्ष अपने घर में गमले में लगा के उसकी पूजा करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। आंवले का पूजन हमेशा पीले वस्त्र पहनकर करें या लाल वस्त्र पहनकर करें और चमत्कार देखें, आपकी गिनती करोड़पतियों में होने लगेगी, आप करोड़ों में खेलने लगेंगे। ज्योतिष में बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए भी आंवले का प्रयोग किया जाता है और जो व्यक्ति अपने नहाने के पानी में शहद के साथ में आंवला का रस मिलाता है और उससे स्नान करता है
उसकी ज़िंदगी अरबपतियों में होने लगती है और उसकी ज़िंदगी में नकारात्मकता का नामो निशान मिट जाता है, सभी अशुभ ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है, शुभ ग्रह उसके लिए कारगर बन जाते हैं। तो आप करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, 25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर उमा श्री के डिस्क्रिप्शन में जाएं और ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। एक छोटी सी सलाह आपके जीवन के सभी उपद्रव समाप्त कर सकते हैं और आपको खुशहाल बना सकता है। तो सलाह लेके देखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ईमेल कर रहे हैं तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनसे निवेदन करूंगी, रश इतना ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, फिर कांटेक्ट करिए, तभी आपको लाभ होगा। हमारे पास इतने ईमेल आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं कि हम क्या बताएं। तो इसी के निवारण का हम उपाय कर रहे हैं और आपको जल्द ही सूचित करेंगे कि आपको क्या करना है। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आप डाल दीजिए, आपको जल्दी संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा।